दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंगारा और पिशाच। ये अंगारा ही कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। अंगारा और पिशाच। एक सुबह एक लॉन्च अंगारा द्वीप की तरफ बढ़ रही थी। यह खबर लेकर मछलियां पहुंची वेल रानी के पास, जो सागर तल में विश्राम कर रही थी। वेल रानी, खतरा कोई हमारी समुद्री सीमा में आया है। कौन है, क्यों आया है, तुम खुद ही चलकर देखो ने। जल्दी ही लाश, क्या यही वेल रानी है? हाँ, यही इंसानों की जुबान खूब समझती है और बातें भी कर लेती है। अंगारा द्वीप की समुद्री सीमा की पहरेदार है यह। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो वरना तोड़ मरोड़ दूंगी। हे वेल रानी, हम अंगारा देश के शत्रु नहीं, मित्र हैं। मित्र, क्या सबूत है तुम्हारी मित्रता का? यह फरमान सबूत है जिसे हमने बलारा देश से प्राप्त किया है। जाओ, यह फरमान अंगारा तक पहुंचा दो, तब तक हम यहीं रुके रहेंगे। वेल फरमान लेकर तट पर पहुंची। अरे सुन लंगूरे, इधर आ। क्या है वेल रानी? मैं तट पर चौकसी कर रहा हूं। यह फरमान अंगारा देवता तक पहुंचा दे फटाफट। सिगरी, मैं सीमा प्रहरी लंगूरे एक फरमान लेकर आया हूं, लाओ। मित्र अंगारा, आने वाले दोस्तों की मदद करना मानव धर्म है। चांद्रा, क्वीन ऑफ बलारा। ये आने वाले दोस्त कहाँ हैं? समुन्द्र में एक लॉन्च पर। वेल रानी से कहो कि उन्हें आने दे। शीघ्र वे तट पर उतरे। उनके साथ कुछ लोग अंगारा के लिए उपहार लेकर चल रहे थे। कैप्टन लासी, क्या सचमुच अंगारा ऐसी शक्ति है जो हमें पिशाच से मुक्ति दिला सकता है? अगर ऐसा न होता तो हमारे मित्र क्वीन ऑफ बलारा यह सुझाव क्यों देती? अंगारा ने हिंगलाज जैसे जादूगर का खात्मा किया है। बुलडोग को मारा। पेंचटुम्बा जैसे जादूगर से लेकर कमांडो ड्रैगन तक का खात्मा किया है। वे अंगारा द्वीप के राज्यसभा में पहुंचे। अंगारा द्वीप पर आपका स्वागत है, कृपया हमारे उपहार स्वीकार कीजिए। मैं ड्रीमलैंड टापू का गर्वनर रासो हूं, और यह है कैप्टन लास्की, हमारे नेवल सेना का सबसे बड़ा ऑफिसर। बलारा देश से हमारे व्यापाराना संबंध है, हम एक दूसरे के मित्र हैं। क्वीन ऑफ बलारा ने आपको किसी मदद के सिलसिले में भेजा है? हाँ, हमारे देश पर एक खौफनाक पिशाच का साया डोल रहा है। क्या पिशाच? हाँ, आपको सारी कहानी कहनी पड़ेगी। किसी जमाने में ड्रीमलैंड पर सम्राट एंटीना की हुकूमत थी। उसकी मौत बड़े रहस्यमय ढंग से हुई और उसका शव पुराने किले में दफना दिया गया। एंटीना आखिरी सम्राट रहा, क्योंकि जन आंदोलन में एंटीना के सारे उत्तराधिकारी मारे गए। इस तरह एंटीना के वंशजों की हुकूमत खत्म हो गई और ड्रीमलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई। अब वहां कोई राजा या रानी नहीं होते। आज ड्रीमलैंड को जनता की चुनी हुई कैबिनेट चलाती है, जिसका एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी मंत्री होते हैं। पुराना किला बरसों से एक ऐतिहासिक दर्शन स्थल बना हुआ है, परंतु कुछ वर्षों से वहां टूरिस्ट के साथ हादसे होने लगे और किला बंद कर दिया गया। अब उस किले के चारों तरफ की बस्तियों में पिशाच का आतंक फैल गया है। पिशाच के साथ असंख्य भेड़िए हैं, जो सभी नरभक्षी हैं। ये भेड़िए किले और उसके आसपास से रहते हैं। पिशाच के रूप में खुद एंटीना जिंदा हो चुका है और वह पूरे ड्रीमलैंड पर पिशाच साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इस पिशाच को खत्म करने के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। वह सब मौन का धुआं छोड़ता है तो पूरी आर्मी भी उसके सामने पंगु हो जाती है। पिशाच जिसका खून पीता, वही नर पिशाच बनकर उसका गुलाम बन जाता है। ऐसे सैकड़ों लोगों की तादाद ड्रीमलैंड में मौजूद है, पता ही नहीं चलता ही कौन उसका गुलाम है। इसी पिशाच से मुक्ति पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। कैबिनेट ने मुझे सरकारी तौर पर भेजा है। ठीक है, आपकी मदद की जाएगी। मैं अपने तरीके से ड्रीमलैंड पहुंचूंगा और इस काम को खत्म करने के बाद ही वापस लौटूंगा। अंगारा का आश्वासन पाकर वे ड्रीमलैंड वापस लौट पड़े। क्या वे आएगा? अवश्य, अंगारा वादे का पक्का है। अगले दिन चलो जटायु ड्रीमलैंड की धरती पर। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की भी में भी तरक्की कर ली है। इस शक्तिशाली ट्रांसमीटर के जरिए मैं अपने साथियों से बात कर सकता हूँ। वो सीखू तत्ते को साथ ले आते तो वह पिशाच को हंसा हंसा कर ही मार डालता। पिशाच को जीवित इंसान नहीं है जटायु, और सीखू मुर्दों को नहीं हंसा सकता।
वह कोई मुर्दाना है, वो साजिश भी तो हो सकती है, क्या पता, अब तो पता चल जाएगा। अंगारा अपने हवाई वाहन के साथ ड्रीमलैंड की सीमा में पहुंचा। अरे वह देखो, वह क्या बला है। सैनिकों को पहले से निर्देश था कि अंगारा का रास्ता न रोका जाए। वह अंगारा जटायु पक्षी के साथ सब हथियार नीचे कर लो। शहरी आबादी की बजाय अंगारा ने एक जंगल में शरण ली। जटायु को एक गुफा दिखाई दे तो उतर जाना। जटायु ने अंगारा को एक गुफा के पास उतार दिया। हम इस गुफा को अपने मिशन का हेडक्वार्टर बनाते हैं। सब जानवरों को खबर कर दो, सब पशु पक्षियों को खबर कर दो कि मान जटायु सबसे मान अंगारा देवता को ले आया है। ठीक है। उस जंगल के सारे जानवर अंगारा के दर्शन करने दौड़ पड़े। अंगारा देवता की जय हो, हमारे हो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। तुम लोगों का यहाँ कोई शिकार तो नहीं करता ना? यहाँ शिकार पर पाबंदी है। हम भी मांस नहीं खाते, चारा खाते हैं। तुम लोग पिशाच के बारे में क्या जानते हो? हम सब उससे खौफ खाते हैं, वह जानवरों को भी वश में कर लेता है। सैकड़ों भेड़िए उसके गुलाम बने हुए हैं, सब नरभक्षी हो गए हैं, उसी के किले में रहते हैं। उसका किला कहाँ है? तब एक बात आगे बढ़ा, मैं जानता हूं एक पहाड़ पर उसका किला है। क्या तुमने कभी पिशाच को देखा है? हाँ, कभी कभी वह चमगादड़ बन जाता है, दिन में उल्लू भी बन जाता है। तो हमें रास्ता दिखाओ। वह जानवरों को वश में कर लेता, कहीं मुझ पर नजर पड़ गई तो मुझे भी वश में कर लेगा। चलो जटायु। जटायु अंगारा को लेकर उड़ा, बाज आगे आगे उड़ रहा था। बॉस चिल्ली को बुला लो, उसे वश में नहीं कर सकता वह पिशाच। थोड़ी देर बाद उसी किले में रहता वह। शुक्रिया बाज, अब तुम जा सकते हो। बाज चला गया। किले के चारों तरफ घना जंगल और किला उजाड़। बॉस हठधर्मी ठीक नहीं, चिल्ली को बुलाई लो। मुझे किले में उतारो और तुम आकाश पर दूर से नजर रखो। अगर मुझ पर कोई संकट आए तो चिल्ली को बुला लेना, समझे? जटायु आकाश पर चला गया। देखता हूं पिशाच ने यहाँ क्या क्या खेल खेले हैं। वो रंगारा किले के खंडरों में घूमने लगा। किले की एक बुर्जी पर एक उल्लू बैठे बैठे सो रहा था। यहाँ तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। उसकी स्थिरता के कारण अंगारा उसे पत्थर की मूर्ति समझकर आगे बढ़ा। न भेड़िए, न कोई पिशाच या उसके गुलाम, लगता है सब गप है। अचानक एक पत्थर अपनी जगह से खिसक कर सुराख बन गया, खड़र। वो सुराख से भेड़िए निकलने लगे, गुर्र। भेड़िए अंगारा पर झपट पड़े। नालायक को छिपकर वार करते हो मुझ पर? मैं तुम्हारा देवता अंगारा हूं। इसकी खाल में तो दांत भी नहीं गड़ रहे हैं, यह इंसान भी नहीं है। शेर की गंध भी आती है, हाथी की भी, लोमड़ी की भी, गेंडे की भी, क्या मुसीबत है यह? भागो भागे, ये आदमी नहीं है, मुसीबत है। शेर, हाथी, गेंडा, पता नहीं क्या क्या है। भेड़िए मैदान छोड़कर अपने सुराख में घुस गए। अंगारा ने उनके सुराख में घुसना चाहा, लेकिन सुराख बंद हो गया। ओ खट, ताकत से पत्थर नहीं हटता, इनका कोई दूसरा पर बंद करूंगा। अंगारा ने उस पत्थर पर निशानी लगा रखी थी और वह आगे बढ़ा। अचानक अंगारा पर पत्थरों की बरसात होने लगी। वह पत्थरों की मार से बचने के लिए भागने लगा। पत्थर उसका तब तक पीछा करते रहे जब तक वह किले से बाहर नहीं निकल गया। पत्थर कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? लेकिन बाहर और मुसीबत खड़ी थी, हमला। बच ना पाए। आ, इस पर हमारे हथियार बेकार। अंगारा का हाथ रिवॉल्वर निकालने को जेब में गया, लेकिन सब घोड़ों पर सवार हैं। गोलियां चलाने के बदले बदले क्यों ना इन घोड़ों से ही काम चला लूं? यह नामुराद घोड़ो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? जो अंगारा पर किए गए हमले में मदद कर रहे हो, पलट जाओ और अपने सवारों को गिरा दो, यह मेरा हुक्म है। घोड़े ऐसे सुल पड़े कि सारे सवार नीचे गिर गए। आह आह, अंगारा ने एक जंगली को दर्द दबोचा। बता कौन हो तुम लोग? सर, सरदार वकालो के सैनिक। सरदार वकालो कौन है? उस किले का रक्षक, सम्राट एंटिनो का सेवक। कहाँ रहता वकालो? किले के पीछे वाला कबीला उसी का है।
जटायु कमौन, अंगारा जटायु के पंजे में उड़ चला। किले के पीछे कोई कबीला है? हाँ, ये सब उसी तरफ से आए थे, पता नहीं इनको कैसे खबर लग गई। इस कबीले पर हम रात को हमला करेंगे, अब वापस चलो। अंगारा फिर उसी गुफा में आ गया, बड़े अजीब अजीब हमलों से पाला पड़ रहा है। अंगारा ने ट्रांसमीटर निकालकर गवर्नर रासो से संपर्क किया। गवर्नर रासो, यह सरदार वकालो कौन है? वकालो पहाड़ी इलाके का सबसे ताकतवर सरदार है, उसने हुकूमत से बगावत कर लिया है। यह किले के आसपास किसी को नहीं फटकने देता। हमारे सैनिकों से इनकी अनेक बार मुठभेड़ हुई, परंतु हमें कभी सफलता नहीं मिली। अगर ये लोग मारे गए तो आपकी हुकूमत को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? हम तो चाहते ही हैं कि यह बागी मारा जाए। जटायु, तुम ठीक कहते थे, चीकू और चिल्ली को बुलाना ही पड़ेगा। फिर अंगारा ने अंगारा द्वीप से संपर्क किया। चिल्ली, चीकू, तुम दोनों ड्रीमलैंड पहुंच जाओ। ड्रीमलैंड के पश्चिम छोर पर ग्रीनाथ जंगल की एक गुफा में। चिल्ली और चीकू उड़ चले। लगता तगड़ी जंग छिड़ गई है, और क्या, नहीं तो हमें क्यों बुलाया जाता? शीघ्र दोनों अंगारा तक जा पहुंचे। हम हाजिर हैं, किसको हंसा हंसा कर मारना है? सबसे पहले चिल्ली कबीले पर हमला करेगा। चीकू, तुम्हें सरदार वकालों का पता लगाना है, उसके बाद जटायु का काम है वकालों को उठाकर लाना। रात हो गई, अंधेरा फैलते ही अंगारा के तीनों जांबाज उड़ चले। चीकू वकालों का पता लगाने एक पेड़ की टहनी पर छिपा बैठा। चिल्ली ने बस्ती को आग लगाना शुरू किया। अब वकालों खुद सामने आ जाएगा। कबीले में भगदड़ मच गई। चिल्ली ने आग के साथ तूफान भी छोड़ा। भागो भागो वकालो सरदार, आग बरस रही है, कोई दैवी विपत्ति आ गई कबीले पर। सरदार सरदार, हम देखते हैं कैसी विपत्ति है। सरदार वकालो बाहर आ गया, वह चमगादड़ जैसा प्राणी आग लगा रहा है, तूफान चला रहा है, तो यह है वकालो। शिखु जटायु के पास पहुंचा। वो देखो, वो है वकालो, अब क्या किया जाए? ए, जटायु ने वकालो को उठा लिया। वकालो को लेकर जटायु जंगल में उतरा। जानवरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वकालो, अब तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है, कौन हो तुम? वही जिस पर तेरे जंगलियों ने हमला किया था, बता पिशाच कहाँ रहता है? पिशाच, रात हो गई, पिशाच की शक्तियां जाग गई होंगी, वह अपने गुलामों की पुकार सुनकर खुद उसकी मदद को आ पहुंचता है। ऐ सम्राट एंटीना, तेरा दास संकट में है, तुरंत मेरी मदद कर। तभी किले से एक भयानक चमगादड़ उड़ चला और जा पहुंचा वकालों के पास। मैं आ गया, मैं आ गया, सम्राट एंटीना जिंदाबाद। पिशाच अपनी शक्ल में आ गया, इसका ताजा ताजा खून पीऊंगा। जानवरों, खत्म कर दो इसे। जानवरों, मेरी आंखों में देखो। देखते देखते जानवरों को पिशाच ने अपने वश में कर लिया। हा, अब मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। देख, तू भी मेरी आंखों में देख, मैं अंगारा हूं। पिशाच मुझ पर किसी शैतानी ताकत का सम्मोहन काम नहीं करता। पिशाच ने आक्रमण कर दिया, इसके अंदर तो बला की ताकत है। शिखु ने अंशु मंत्र चलाया। ओम चिर चुराम, वकालो हंस पड़ा। हो, परंतु पिशाच पर चीकू के मंत्र का असर नहीं हुआ। जटायु, कुछ कर। जटायु ने पिशाच को दबोचकर उठा लिया। आकाश से धरती पर फेंका। पहले तुझे ही देखता हूं, लेकिन पिशाच चमगादड़ बन गया। देख मेरी आंखों में, देख मेरी तरफ, मेरी आंखों में। जटायु भी पिशाच के वश में आ गया। ही, तू 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 काम की चीज है, अच्छे तू मेरा आकाशवान बनेगा। जटायु पिशाच का हुक्म मानने पर विवश था। अब मैं तुझ पर सवारी करूंगा। सब गड़बड़ हो गया, मुझे छिप जाना चाहिए। अंगारा जंगल की तरफ भागा और अपनी गुफा में छिप गया। गुफा द्वार पर पत्थर अड़ा अड़ा देता हूं। अंगारा गुफा में बंद तो हो गया, परंतु रात के समय पिशाच एंटीना की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। पिशाच के इन शक्तियों से टकराव की अगली कहानी है अंगारा का कोराम। दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, तो इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे अंगारा का कोराम में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अंगारा का कोराम।